YouTube के इस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए, ताकि पल पल की जो भी अपडेट आए वो अपने चैनल के माध्यम से हम आपको पहुँचाने की कोशिश करते रहें। तो देखिए, स्पष्ट खबर आई है कि 6,000 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अगले माह से। जी हाँ दोस्तों, स्पष्ट कह दिया गया है कि 6,000 शारीरिक शिक्षकों की जो बहाली की प्रक्रिया है वो अगले महीने से शुरू होने जा रही है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि प्रदेश के मध्य स्कूलों में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती की कवायद अगले माह शुरू होने जा रही है। प्रदेश के स्कूलों में 6,000 से अधिक पद खाली हैं। पहले चरण की शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में 2,000 से कम ही पद भरे जा रहे हैं, ये सब के लिखा है। और यहाँ पे लिखा है केवल 3,523 ही, मैं 23 देख सकते हैं, स्पष्ट किया गया है यहाँ पे, पूरा का पूरा बात जो है वहाँ पे किया गया है, यहाँ पे लिख दिया गया है कि शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में 2,000 से कम ही पद भरे जा सके थे। दरअसल तब शारीरिक शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों की, देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है, अभ्यर्थियों की जो संख्या है केवल, यहाँ पे लिखा है 3,523 ही थी। विभागीय जानकारी के मुताबिक शारीरिक शिक्षकों के खाली पदों के लिए एक बार फिर आवेदन मंगाए जाएंगे। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर चुका है। उम्मीद है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में अथवा नवंबर प्रथम सप्ताह में इसका शेड्यूल जारी हो जाएगा। जानकारी हो कि मई में पहले चरण के शारीरिक शिक्षकों की खत्म हुई प्रक्रिया, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे लिखा है, और लिखा है कि CTT सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन, तो देख सकते हैं CBSE ने CTT सफल उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। CBSE ने कहा है कि अब अभ्यर्थियों को मार्कशीट व सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्राप्त करना होगा 2011 से 2016 तक। इसके बाद शामिल अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से मार्कशीट व सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवार केवल CTT की वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। इन दस्तावेज़ों के लिए कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑफलाइन डुप्लीकेट सर्टिफिकेट और मार्कशीट के दस्तावेज़ों के लिए आवेदन करते हैं तो उनका प्रार्थना पत्र और डिमांड ड्राफ्ट अस्वीकार कर लिया जाएगा। तो देख सकते हैं लिखा है कि शिक्षकों के वेतन की विसंगतियां होंगी दूर, ये भी लिखा गया है। शिक्षा विभाग चार सदस्यीय समिति ने सौंपी रिपोर्ट। तो देख सकते हैं गाइज, आज की न्यूज़पेपरों में यही कुछ खबर है जो कि संबंधित है शिक्षा जगत से। और जहां तक स्पष्ट कर दिया गया है शारीरिक शिक्षकों को लेकर, तो एक उम्मीद जगी है कि 6,000 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो है अगले माह से शुरू होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं अच्छी प्रक्रिया सामने उभर के आ रही है बहाली को लेकर, कि कहीं ना कहीं बहाली की प्रक्रिया जो है अब अगले माह जो है शुरू होने जा रही है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि 6,000 शारीरिक शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है दोस्तों वो अगले माह अब शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।